प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान से सुनना और याद भी करना। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के जन्म काल में भारत की दशा का वर्णन करें या बताएं। उत्तर है, जब श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ तब उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे भारत देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। सभी राजाएं अपने अपने कर्तव्यों को छोड़कर उल्टा सीधा काम कर रहे थे। इनकी करतूत से भारत देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। प्रश्न नंबर दो, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया? उत्तर है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह में पड़कर युद्ध करने से श्री कृष्ण को मना कर दिया था। तब सारथी श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए तैयार किया। प्रश्न नंबर तीन है, पाप के अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर क्या पड़ता है या क्या डालता है? उत्तर है, वास्तव में पाप की कमाई का अन्न खाने से हमारे मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख यानी हटा देता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसीलिए हम सभी को पाप के अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। प्रश्न नंबर चार, भगवान राम किस युग में उत्पन्न हुए? उत्तर है, भगवान राम त्रेता युग में उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण जी द्वापर युग में उत्पन्न हुए। प्रश्न नंबर पाँच, राजा दशरथ के पुत्रों के नाम लिखिए। उत्तर है, राजा दशरथ के चार पुत्र थे। पहला राम, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा भरत और चौथा शत्रुघ्न। इन सब को याद भी कर लेना है। प्यारे बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।